अक्टूबर के हमले की बरसी के दिन इसराइल ने लेबनान में बड़ा हमला किया है। इसराइल ने बेरूत के पहाड़ी इलाके में बड़ा हमला किया है। माउंट लेबनान इलाके में इसराइल ने थोड़ी देर पहले बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इसराइली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला का बड़ा कमांडर ढेर हुआ है। बेरूत के जिस इलाके में हमला हुआ वहां टीवी 9 संवाददाता सुमित चौधरी पहुंचे। सुमित की वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते। माउंट लेबनन के इलाके को भी लगातार इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जिसे केबेतीन का इलाका कहा जाता है। खासतौर पर ये बहुत आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका माना जाता है। बेरूत के आसपास की जो पहाड़ियां हैं ये वो इलाके हैं और इसराइल ने कल रात को यानी 7 अक्टूबर के पूरे एक साल हो जाने के बाद बेरूत के आसपास के इलाकों में बहुत बड़े अटैक किए हैं। अगर आप देखें बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचा है और उसी का नुकसान या फिर आप कह सकते हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ख़ास बात ये भी कही जा रही है कि इस इलाके में करीबन इन दोनों घरों को अटैक किया गया था और करीबन 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घर से कहा यह जा रहा है कि करीबन 10 लोग इस घर में मारे गए हैं और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इस समय का जो हालात हैं वो किस तरीके के। पहला घर मैंने आपको दिखाया और उसके बाद आप देखिए ये दूसरा घर है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे। कल रात से करीबन 15 से 18 जगहों पर ना सिर्फ लेबनन बेरूत के बल्कि आप कह सकते हैं कि माउंट लेबनन के जो इलाके यानी जो हिली एरियाज हैं जो खासतौर पर बेरूत के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर भी इस तरीके के अटैक किए गए। अब तक इसराइल जो है वो धाइया के अंदर बेरूत के आसपास के इलाकों में अटैक करता था लेकिन अब उसने अपने इन अटैक्स को खास तौर पर इन इलाकों में भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो पहाड़ी इलाके हैं बेरूत के आसपास के उनको भी लगातार अब इसराइल टारगेट कर रहा है। इसराइल का मानना है कि यहाँ पर जो समर्थक हैं हिजबुल्ला के वो हो सकते हैं लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इन सभी जगहों को किस तरीके से अटैक किया गया है। अगर आप देखें 10 लोगों के मारे जाने की खबर इसमें बताई जा रही है। 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। बताया गया कि 4 बच्चे भी उनकी मौत हुई है लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स होंगी ये खास तौर पे जिससे नुकसान अगर आप देखें। हालांकि देखिए आप उनके घरों का साजो सामान या नीचे पड़ा है और जो नुकसान आपका इनको हुआ है आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं बल्कि गाड़ियाँ और जो उनके अपने घर के जो नीचे जो चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और यह इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ना सिर्फ इस तरफ आप कह सकते हैं रोड के दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है। अगर आप देखें कि ये भी जो आसपास की चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। माउंट लेबनन का ये वो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहाड़ी इलाका है निशांत अगर आप दिखाएं। और अब इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि अब इन इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करे और एक तरीके से आप मानिए कि इन इलाकों में जहाँ पर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन इलाकों को टारगेट करता है। तो मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है और ये जो वॉर जोन है उसके लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। 10 बड़े अपडेट 10 बिग पॉइंटर्स आपको बताते हैं कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है वॉर जोन में। पहला, लेबनान में 19 नए इलाके खाली करने की चेतावनी दे दी गई है कि ये खाली की जाए। दूसरा, 7 लाख की आबादी वाला दाइया वीरान बन गया है, पूरी तरह से खंडर हो गया है। तीसरा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह हुए हैं जहां से सुमित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। चौथा, आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्ला के हथियार डिपो नष्ट होंगे और अभी नष्ट किए गए हैं। पांचवा, उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट हमले जारी हैं, अभी भी जारी हैं। लेबनानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि दक्षिण में सेना की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। और सातवां अपडेट यह है कि इसराइल को सीज फायर के लिए मजबूर करेंगे। लेबनानी प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इसराइल सीज फायर करेगा, ये उन्हें भरोसा है। आठवां, लॉयड ऑस्टिन ने योव गैलन से बातचीत की है, ईरान पर चर्चा हुई, यानी अमेरिका बहुत ज्यादा सक्रियता दिखा रहा है। यूएन ने कहा लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ी हैं, यानी टारगेट इसराइल है। और दसवां अपडेट ये कि ईरान में अलर्ट है, रात में हवाई सेवा रोकी गई है। तो ये 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर छिड़ा हुआ है उसको लेकर क्या कुछ आ रहा है। एक और बड़ी खबर, बेरूत के दाइया में इसराइल की F-35 से बमबारी हुई है। दाइया के रिहायशी इलाकों में बम गिराए गए हैं। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। बेरूत हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में रनवे जो रहा वो तबाह हो गया है हवाई अड्डे का। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुएं का एक गुबार दिख रहा है। ये एयरपोर्ट का इलाका है, हवाई अड्डा यहाँ पर है और जो रनवे रहा वो पूरी तरह से खत्म हुआ है, तहस नहस हुआ।
तो अब आशंका यह है कि आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इसराइल। इसराइल वो बदला ले सकता है, ईरान के हमले का बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने कई मिसाइलों को एक साथ दागा इसराइल में। लेकिन अब इसराइल की बारी है, क्या इसराइल करेगा, कैसे अटैक करेगा ईरान पर, ये देखना होगा। लेकिन ये सबसे बड़े युद्ध की आशंका है, तारीख भी है, और क्या इसराइल इसका बदला लेगा, ये सवाल बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि युद्ध की पहली बरसी पर अब से थोड़ी देर पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान, साउथ लेबनान में बड़ा अटैक किया है। लेबनान के तायरे में हमले से बड़ी बर्बादी हुई है। टीवी 9 संवाददाता सुमित चौधरी तायरे में मौजूद हैं। टीवी 9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं साउथ लेबनन के तायरे इलाके में, और अगर आप ये देखें, ये साउथ लेबनन का वो इलाका है जो इस समय जंग में सबसे आगे है, जहां पर लगातार जंग सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप से की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आपको साउथ लेबनन से सीधे तौर पर दिखा रहा है, जहाँ पर ये स्ट्राइक्स की गई थी। और ये देखिए पूरे हाईवे को, निशांत इधर दिखाइए कैमरा, और ये देखिए ये इलाका जाता है बेरूत की तरफ, और ये इलाका है साउथ लेबनन का तायरे, यानी जो रोड जोड़ती है साउथ लेबनन को और खासतौर पे बेरूत को। ये अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रात को एयर स्ट्राइक्स की गई थी। टीवी 9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है वॉर फ्रंट पे, और आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो रही है जो या तो हिजबुल्ला के लोग हैं या हिजबुल्ला के कमांडर से, या फिर जो लोग जिन जो लगातार खाने पीने का सामान जो यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। और देखिए ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई, और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट था, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया, गाड़ियां पूरी की पूरी यहां पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इसराइल, और इसराइल को जब ये पता लगा कि यहां से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्ला कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। ये साउथ लेबनन का वो इलाका है, और देखिए हर किसी के शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है हमको विक्ट्री साइन दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस युद्ध में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले की जंगें हुई थी तब भी इसराइल को इसी तरीके से ये हिजबुल्ला का और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमने उनको मार गिराया था, लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये आपको दिखाएंगे कि रात की स्ट्राइक्स में कैसा भारी नुकसान यहाँ पर इस समय पहुँचा है। पूरी जगह को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। और देखिए एम्बुलेंसेज आपको नजर आ जाएंगी, निशांत उधर दिखाइए, लगातार ये एम्बुलेंसेज यहाँ मूव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको निकालने का काम भी जारी है। और आइए अभी एक नजर डालते हैं 7 अक्टूबर के गुनहगारों पर। इस्माइल हानिया मारा गया है और याया सिनवार मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मोहम्मद दाइफ मारा गया है, यानी जो एक तरह से हमास हो या हिजबुल्ला हो वो टॉप लीडरशिप को इसराइल खत्म कर रहा है। आपको बता दें कि देखिए ये इस्माइल हानिया मारा गया है, याया सिनवार को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा साले अल अरोरी भी मारा गया है, मोहम्मद दाइफ मारा गया, साले अल अरोरी भी मारा गया। तो ये जो 7 अक्टूबर के गुनहगार हैं उनका खात्मा हो चुका है। अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं कि किस तरह से, ये देखिए ये हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये 7 अक्टूबर के गुनहगार हैं जिनका खात्मा हुआ है। और इसराइल अब ये कह रहा है कि जितनी भी हिजबुल्ला के लीडर हैं या उत्तराधिकारी बन रहे हैं उनका भी खात्मा होगा। आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, 7 अक्टूबर पर हमास ने की थी बड़ी तैयारी, एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने वाला था हमास, आज फिर हमास का विध्वंसक प्लान था। IDF का दावा है कि बड़ा हमला नाकाम किया है, फाइटर से लॉन्च पैड और टनल पर स्ट्राइक की गई है, सिर्फ 4 रॉकेट दाग पाए हमास के लड़ाके। ये तैयारी तो हमास की बड़ी थी, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का उसने इस तैयारी को विफल कर दिया, फेल कर दिया, और आयरन डोम एक्टिवेट हो गया, कई मिसाइलें जो इंटरसेप्ट की गई, बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 ही मिसाइलें दागी गई हैं, प्लानिंग बड़े ज़्यादा मिसाइलों की थी। और एक बार फिर क्या 7 अक्टूबर होने वाला था, बड़ी खबर यह है कि आज फिर 7 अक्टूबर के दिन ही इसराइल पर बड़ा हमला मुमकिन था। यह हमास का कहना है, हिजबुल्ला कर सकते थे, हमास हिजबुल्ला मिलकर कर सकते थे हमला, बॉर्डर से सटे इलाकों में हमले की आशंका और अब बढ़ गई है। 7 अक्टूबर 2023 को अटैक दोहराने की कोशिश है, जैसा 7 अक्टूबर को किया पिछले साल वैसा ही 2024 में करने वाले थे। हमला क्यों? क्योंकि नेतन्याहू को बड़ा संदेश देने की कोशिश
होगी हमास की तरफ से भी, हिजबुल्ला की तरफ से भी। 7 अक्टूबर की बरसी है, इसीलिए हमला करना और ज्यादा सिंबॉलिक हो जाता है। हमास हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल है, ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी चल रही थी। ईरान पहले ही कर चुका है हमला, ईरान कर चुका है हमला, ऐसे में इसराइल 3-4 मोर्चों में एक साथ घिरा हुआ है। और 7 अक्टूबर को तारीख का, ये जो तारीख है जिसे न कभी इसराइल भूलेगा, न फिलिस्तीन भूल पाएगा, न हमास भूल पाएगा, न लेबनान और न ही ईरान। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जिसके बाद से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सुलगने लग गया और युद्ध शुरू हो गया। आखिर क्या हुआ था 7 अक्टूबर को जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया? आज हम आपको 7 अक्टूबर नरसंहार की एक एक बात बताएंगे, बताएंगे कि पिछले एक साल में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है, कितनी बदल गई है दुनिया, क्योंकि पिछले एक साल से टीवी9 भारतवर्ष भी वॉर जोन में लगातार डटा हुआ है। क्या इसराइल का बदला पूरा हो चुका है या अभी अधूरा? तो लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं, वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, 7 अक्टूबर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई। अटैक के बाद सबसे पहले टीवी9 ही वो चैनल था जो सबसे पहले इसराइल पहुंचा था। टीवी9 संवाददाता मनीष झा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जब मनीष खुद वहां पर इसराइल के रीफ पहुंचे थे और वो मंजर बयां किया था। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त तेल अबीब और साउथ इसराइल के बीच एक ऐसे लोकेशन पर मौजूद है जिसे अभी मैं अगर आपको इजरायली डिफेंस फोर्स का एक टेम्पररी रीजनल हेडक्वार्टर कहूं तो वो गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि कैमरे पर अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए दर्जनों अभी इजरायली डिफेंस फोर्स के मिलिट्री व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। इसमें बहुत सारी गाड़ियां, चाहे वो टैंक के तौर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसे मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान, चाहे ब्रिज के लिए या फिर दूसरे और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी आप देखिए उन सब मिलिट्री गाड़ियों का जखीरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए कि यहां पर मिलिट्री पर्सनल जो मौजूद हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले। जो गाजा में लगातार जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की सैन्य कार्रवाई होगी उसकी ऑपरेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही है, यहाँ से बैकअप सपोर्ट भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जो दूसरे लोगों को भेजा जा रहा है फ्रंट लाइन पर। तो हम इस वक्त वही लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस जगह को किस तरीके से उन्होंने खुले आसमान में अपने रीजनल बेस हेडक्वार्टर के तौर पर तैयार किया और इसकी सुरक्षा के लिए लगातार आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। तो मनीष झा की उस वक्त की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे जब मनीष पहुंचे थे, इसराइल पर अटैक हुआ था। और 7 अक्टूबर के बाद कितने फ्रंट खुल गए हैं, अब आप ये जानिए कि कितना किन किन मोर्चों पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। देखिए गाजा है, गाजा में खात्मा किया, हमास से जंग लड़ी इसराइल ने, उसके बाद लेबनान में जंग शुरू हो गई और हिजबुल्ला से जंग अभी भी चल रही है। इसके अलावा जो तीसरा मोर्चा है वो यमन का है, जहाँ पर हूती जो नॉन स्टेक एक्टर है या फिर प्रॉक्सीज जिसे कहें ईरान की, उससे भी इसराइल युद्ध लड़ रहा है। ईरान जहां पर जबरदस्त तनाव है, डायरेक्ट युद्ध तो शुरू नहीं हुआ लेकिन ईरान ने पहले पहल करके मिसाइल अटैक किया इसराइल पर, तो यानी ये फ्रंट भी खुला हुआ है। सीरिया में बद्र लड़ाकों से भिड़त इस वक्त इसराइल के IDF की हो रही है। इसके अलावा इराक विद्रोही गुटों से भी जंग हो रही है। तो ये वो मोर्चे हैं, यानी 7 ऐसे फ्रंट हैं जहां पर लगातार इसराइल एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अब बड़ी बात क्या है, ईरान पर किसी भी वक्त इस वक्त हमला हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, आज एयर स्ट्राइक की जा सकती है। और ये हिजबुल्ला ने जो अटैक किया, ईरान ने जो अटैक किया, उसका बदला इसराइल ले सकता है। इसराइल की सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। अब ये देखना होगा कि वो वक्त कौन सा होता है जब इसराइल वार करता है या बड़ा अटैक करता है। आपको बता दें कि प्रॉक्सी संगठन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और यही काम कर रहे हैं, यही हमला कर रहे हैं, जिसकी सप्लाई चेन इसराइल ने काट दी। खबर है कि ईरान की कुछ फोर्स के जो कमांडर है इस्माइल कानी मारे जा चुके हैं। दावा यह भी है कि कानी की मौत लेबनान के दाहिया में हुई है, वो उसी बंकर में मौजूद थे जिसे 72 घंटे पहले इसराइल ने 3000 किलो बारूद बरसाकर उड़ा दिया। हालांकि अभी तक कानी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वाकई ऐसा है अगर तो ये ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तारीख 4 अक्टूबर, वक्त नसरल्ला को दफनाने से 12 घंटे पहले, जगह बेरूत लेबनान। इस
इजराइल एयरफोर्स ने बेरूत के दाहिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की। एक के बाद एक 15 स्ट्राइक से पूरा इलाका दहल उठा। इसराइल के टारगेट पर नसरल्ला के उत्तराधिकारी यानी हिजबुल्ला का अगला चीफ हाशिम सैफी अल दीन, जो हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा था। हमलों में हाशिम सैफी की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि दाहिया में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद थे। वो हाशिम सैफी से मीटिंग के लिए पहुंचे थे। मीटिंग का एजेंडा नसरल्ला की अंतिम यात्रा थी और हिजबुल्ला को फिर मजबूत करने का प्लान पर चर्चा। इसी दौरान इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के वक्त अगर मीटिंग में कानी मौजूद था तो उसके जिंदा होने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि इस मीटिंग में मौजूद हिजबुल्ला कमांडर मोहम्मद राशिद सकाफी और मोहम्मद यूसुफ अनीसी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं हमले के बाद से हाशिम सैफी का कोई अता पता नहीं। हालांकि इस्माइल कानी जिंदा है या मुर्दा, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। कुवैत के अखबार अल जारिद के मुताबिक हमले में इस्माइल कानी घायल, कानी के कंधे, छाती और सिर में गंभीर चोटें आईं। वहीं सऊदी अरब के अखबार ने सूत्रों से खबर दी है कि इजराइल हमले में कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी मारा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल मीडिया का भी दावा है कि इस्माइल कानी हमले में मारा जा चुका है। दावा है कि इजरायली सेना कानी की मौत की जांच कर रही है। दाहिया में आईडीएफ का हमला अब तक का सबसे बड़ा बंका बस्टर हमला माना जा रहा है। दावा है कि इजरायल का यह विस्फोट नसरल्ला पर हुए हमले से भी बड़ा और विध्वंसक था। दावा है कि इसराइल ने यहां 100 बंका बस्टर बम की बरसात की थी और करीब 3000 किलो बारूद बरसाया था। दावा है कि इसराइल के इतने बड़े हमले के पीछे यहां कुद्स कमांडर कानी का मौजूद होना था, लेकिन सवाल है कि हमले में कानी की मौत या घायल होने की खबरों का आधार क्या है? वो कौन सी वजह है जो इन खबरों को हवा दे रही है? वजह नंबर एक, इस्माइल कानी की नसरल्ला के जनाजे में शामिल होने की खबर थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो जनाजे में नहीं पहुंचे। वजह नंबर दो, शुक्रवार को खमेनी ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से लाखों लोगों को संबोधित किया, इस संबोधन में भी इस्माइल कानी मौजूद नहीं थे। वजह नंबर तीन, इस्माइल कानी एक हफ्ते से लेबनान में मौजूद थे, दो दिनों से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। वजह नंबर चार, इस्माइल कानी की मौत के दावों को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया। नसरल्ला का फ्यूनरल और खमेनी का संबोधन, इन दोनों जगहों पर इस्माइल कानी की गैर मौजूदगी जहां शक पैदा कर रही है, वहीं ईरानी सरकार की चुप्पी इस शक को यकीन में बदल रही है, कानी की मौत की आशंकाओं पर मोहर लगा रही है। ईरानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें तूल पकड़ चुकी। ईरानी मीडिया अपनी हेडलाइंस में सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या हमारे जनरल जिंदा और ठीक हैं? क्या हम अपने कमांडर को देख पाएंगे? इस्माइल कानी की मौत की खबरें अगर सच हैं, तो ये ईरान के लिए बीते 4 सालों में लगे सबसे बड़े झटकों में से एक, क्योंकि कमांडर कानी की मौत का मतलब इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशन का बेहद कमजोर होना है।
इस्माइल कानी ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर। कुद्स फोर्स सभी प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करती है। प्रॉक्सी को हथियार पहुंचाने का जिम्मा भी कुद्स फोर्स के पास है। कानी के नहीं होने से प्रॉक्सी संगठन का नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। इस्माइल कानी की ईरान के लिए क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे भविष्य में कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी माना जाता है। साफ है, अगर दहिया की स्ट्राइक में कानी के मारे जाने की खबरों पर मोहर लगती है तो इसे ईरान पर इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी चोट माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। इस्माइल कानी मारा गया है, इसराइल तो यही दावा करता है, लेकिन क्या 7 अक्टूबर को हमला वैसे ही दोहराया जा सकता है? क्या ईरान पर आज हमला होगा? इसराइल पर हमले का एक साल हो रहा है, अब तक क्या क्या हुआ है हमने आपको सब बताया। ईरान की मदद से हमास का हमला सामने आया, ईरान ने ही मदद की थी हमास की। 1 अक्टूबर को ईरान की इसराइल पर एयर स्ट्राइक हुई और ईरान ने एक बड़ी हिमाकत की। हमलों के लिए IDF पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो क्या इसराइल का हमला होगा? सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले की मंजूरी दी, अब तक कैसी तैयारी है ये बताएं। रणनीति क्या है? रेडी टू अटैक मोड पे सभी एयरबेस इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट सेट कर दिया गया है, तो क्या सीधी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान पर गिरेगी? बदला लेने के लिए आज सबसे अहम दिन है, तो क्या इसराइल प्रतिशोध लेगा? ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इजरायली सेना को नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है, तो यानी जो असली ट्रिगर है वो नेतन्याहू दबाएंगे। और क्या नेतन्याहू इस बात का आदेश देंगे कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक होगा? आपने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के गुनहगारों को तो देख लिया, इसमें अब टॉप पर लेबनान और हिजबुल्ला है। लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ से आपको दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है साउथ लेबनान के तारे इलाके की वो मार्केट, यानी जिसे ग्रैंड मार्केट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक समय की इसकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़क पे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम्स, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स भी थे। लेकिन अब यहाँ के आलम यह है कि या तो ज़्यादातर लोग यहाँ से खाली कर चुके हैं अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को, या फिर इन मार्केट्स को लगातार बम्बारमेंट बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, ये आप एक एक करके शोरूम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए निशांत, जरा आप लाइए, और ये इस समय देखिए कैसी बर्बादी यहाँ पर हुई है। खास तौर पे ये शोरूम हुआ करते थे, आउटलेट्स, ईटिंग जॉइंट्स हुआ करते थे, जो इस समय साउथ लेबनान के सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरीके का, आप मानिए कि एक बड़े इनके 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 हब हुआ करते हैं, जहाँ लोग घूमने आया करते थे अपने शामों को, यहाँ पर लोग अपना बैठा करते थे। लेकिन अब किस तरीके के नज़ारे हैं, सड़क के दोनों तरफ जब एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं तब नुकसान हर तरफ पहुँचता है। ये देखिए यहाँ पर एक आप इसे कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी इक्विपमेंट है उसकी ये दुकान थी, और उसके साथ में बच्चों के खिलौनों की शॉप थी, और ये भी तबाह और बर्बाद हो चुकी है निशांत आराम से। और मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इस समय के ताज़ा हालात साउथ लेबनान में कैसे हैं। तायरे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, एक बड़ा शहर है जिसकी पॉपुलेशन बताई जाती है कि करीबन, जो वहाँ पर जनसंख्या है लोगों के रहने की, वो करीबन 5 से 6 लाख के करीब है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ये सारे इलाके, और इन इलाकों के अंदर बड़ी पॉपुलेशन रहती थी जो अब यहाँ से निकल कर बेरूत की तरफ को चली गई है, यानी बेरूत के आसपास के इलाकों में, और वो वहाँ पर सड़कों पर, गाड़ियों में, इस तरीके की जिंदगियों में जी रहे हैं। उनको मजबूरी में ये सारे अपार्टमेंट्स खाली कर देने पड़े हैं। और अगर आप देखें कि अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये शोरूम था एक खास तौर पे, आप होम डेकोर का कह सकते हैं, या फिर जो घर के वो बनाने के लिए साजो सामान चाहिए होता है उसका ये शोरूम था, लेकिन अब शायद यही बर्बाद हो चुका है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था, अभी सारी चीज़ें इस तरीके की है कि शोरूम्स हों, दुकानें हों, घर हों, हॉस्पिटल्स हों, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको दिखा कि बर्बादी हो रखी है। देखिए सब कुछ इस बम्बारमेंट में या फिर उसकी चीज़ों में बर्बाद हो चुका है। ये सारा आलम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट थी, ग्रैंड मार्केट, ग्रैंड मार्केट रोड से कहते थे। और ये देखिए, ये चारों तरफ का, ये कई किलोमीटर लंबी मार्केट थी इस मेन रोड पर, जो पूरी इस समय बर्बाद हो चुकी है, खाली हो चुकी है। ये परिस्थितियाँ इस समय अभी अगर आप देखें तो साउथ लेबनान की तो ऐसी हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी और इस तरीके के मंज़र आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी अगर आप देखें कि यहाँ पर, हालांकि आपको हिजबुल्ला के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं,
जो कुछ एक घर के लोग होते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग इस घरों से निकल चुके हैं, इन घरों को छोड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ पुरुष हैं जो बचे हुए हैं, वो भी वो जो हिजबुल्लाह को लगातार मदद कर रहे हैं या फिर लगातार यहाँ पर इसराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों का मानना है कि अभी भी इसराइल की फोर्सेज को वो इन इलाकों में ना सिर्फ मार सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं, क्योंकि ये इलाका उनका है, ये इलाके के अंदर वो रहते हैं, वो इनकी बारीकियों को जानते हैं और इसी वजह से यहाँ पर अब भी ये लोग डटे हुए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी केस में लालू यादव परिवार को बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है, 1,00,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है। 25 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। न्याय मिला है और आगे हम लोग जो है पूरी तरीके से न्यायालय पे भरोसा, और ये पॉलिटिकल एजेंडा जो बीजेपी करती है सबके साथ कर रही है, ऑपोजिशन के साथ वही काम कर रही है। हम लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग जीत करेंगे। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, लालू यादव को सुना, और जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला है जिसके तहत जमानत मिली है, राहत मिली है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किन ग्राउंड्स को अदालत ने आगे रखा है जमानत देते हुए? बिल्कुल नीति, देखिए कोर्ट ने यह माना है कि जांच के दौरान कहीं पर भी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था और जो ईडी है उसने चार्जशीट पेश कर दी गई, दाखिल कर दी गई, तो कोर्ट ने इन तमाम आरोपियों को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। देखिए देखने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव को ईडी ने अपनी चार्जशीट में नेम नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना, कहा कि वो लालू परिवार का सदस्य है तो ऐसे में उनको लाभ ना पहुँचाओ इसको नहीं मान सकते। तो कुल मिलाकर उनको भी कोर्ट में पेश किया गया, और जो लालू यादव है वो व्हील चेयर पर आए थे। और इस मामले अगर आप देखें तो यूपीए के समय का है, जब यूपीए के समय में 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उस वक्त ये आरोप है कि अलग अलग जोन में ग्रुप डी की भर्तियां निकली थी और इसके बदले में जमीन ली गई कौड़ियों के भाव में। यह भी आरोप है कि 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन को केवल 36,00,000 रुपए में ले लिया गया। तो इस मामले में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट थी उसके पर समन जारी किए थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को है, तो यहां पर लालू परिवार को एक छोटी सी राहत यह मिली है कि उनको 1,00,000 रुपए के मुचलके पर यहां पर जमानत मिल गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो लालू परिवार को ये बड़ी राहत मिली है। एक और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें मुंबई से आ रही है। मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा को भर्ती किया गया है, बताया जा रहा है ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। ब्लड प्रेशर अचानक से कम हुआ रतन टाटा का, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है। तो मुंबई से ये खबर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर, अस्पताल में भर्ती हैं रतन टाटा। अभी क्या हाल है क्या रतन टाटा की, हमें राजीव सिंह हमारे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, क्या बताया जा रहा है, कब भर्ती कराया गया, क्या दिक्कत सामने आई? देखिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा की तबीयत बीती रात लगभग 12 से 1 बजे के दरमियान बिगड़ी थी। उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल था वो लगातार गिर रहा था, इस वजह से उन्हें तुरंत चूंकि नजदीक का जो हॉस्पिटल है ब्रिज कंडी वहां पर उनको लेकर जाया गया, वहां भर्ती कराया गया आईसीयू में, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है इस पूरे मामले में सारी स्थितियों पर नजर रखी गई है, बेहतर सुधार की दिशा में वो इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। राजीव, कुछ परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई उनकी तबीयत को लेकर? नहीं, देखिए टाटा ग्रुप की तरफ से या परिवार की तरफ से अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि रतन टाटा ब्रिज कैंडी में एडमिट है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनका ब्लड प्रेशर बीती रात लगभग 12 से 1 के दरमियान जो है काफी गिर गया था, जिस वजह से उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद में 86 साल के रतन टाटा को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्या आज कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होगा रतन टाटा को लेकर? अभी अस्पताल प्रबंधन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, उनका चूंकि देखिए रतन टाटा देश के जाने माने उद्योगपति हैं, किसी भी तरह का कोट अनकोट जो है वो देश की अर्थव्यवस्था या यूं कह सकते हैं कि व्यापार जगत पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, तो जाहिर बात है कि इस पर सोच समझ कर ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए संभवतः चूंकि जो उपचार चल रहा है उसमें सुधार की भी बात कही जा रही है, तो हो सकता है कि देर शाम तक इस पर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हो।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका। तो बता रहे राजीव की रतन टाटा की जाने माने उद्योगपति की हालत अभी स्थिर है और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें तबियत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ दिल्ली में बैठक है। गृहमंत्री अमित शाह उस बैठक में इस वक्त बोल रहे हैं। वो भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 BSF के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफ़ी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था। और 24-25 अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और DGP के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उनके DGP, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त हैं, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए।